बिस्मरम रही सो इन एडवास्ड मैनेजमेंट वी स्टार्ट अबाउट रिस्क बजटिंग हमने उसकी बेसिक्स की बात की थी कि वॉट इज रिस्क अबाउट और उसका जो एक एम था मेनली इन ऑर्डर टू गेट हाइस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो एलोकेशन हम उस तरह करना चाहते हैं जिसमें हमारे पास हाइस्ट लेवल ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आज हम उसकी थोड़ी सी फर्दर कॉन्टीन्यूएशन करेंगे बता दा टूल्स टू तू गेट स्टार्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क बजटिंग इज टू मिनिमाइज द ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क बाय वेरिंग द पोर्टफोलियो वेट्स तो हमारे पास टूल्स क्या हैं कि हम पोर्टफोलियो के वेट्स को एडजस्ट करें ताकि हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो लोएस्ट लेवल पे आ जाए द मोस्ट ऑब्वियस वे ऑफ अचीविंग दिस इज बाय डिक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द रिस्कीस्ट एसेट तो अगर हम लेम एंड लैंग्वेज में बात करें कि भाई आपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम करना है तो सबसे आसान काम है कि जो रिस्की एसेट्स हैं वो कम कर दो तो आपका रिस्क ओवरऑल कम हो जाएगा बट ये इतना कोई एफिशिएंट टूल नहीं होगा क्योंकि अगर आप रिस्की पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं जाएंगे या बहुत कम वेट कर देंगे तो दैट विल मेजरली इम्पैक्ट योर रिटर्न एज वेल तो हमने खाली रिस्क को कैप्चर नहीं करना हमने रिटर्न को भी एक रीजनेबल लेवल तक रखना है तो हमें ऐसा एक स्ट्रक्चर चाहिए कि वी हैव अ गुड और हाईएस्ट लेवल ऑफ रिटर्न्स विद द गिवन लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ रिस्क तो ये एक हमारी डिजायर है ये अपने माइंड में जरा मैप कर दें कि वी स्ट्रक्चर वेयर रिटर्न साइड एंड रिस्क आर ऑन लोअर साइड टू सॉल्व दिस इशू इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग पोर्टफोलियो स्टैंड एविएशन वी मैक्माइजोल्डो रेशो हमने इसका मॉड्यूल भी है वो भी आई रिक्वेस्ट यू कि एक दफा दोबारा उसको देखें तो अब हमारा जो एम है उसको कैप्चर करने के लिए हम ये नहीं करते कि सिर्फ लोएस्ट रिस्क की तरफ जाओ बल्कि वी ट्राई टू गो टू द मॉडल और स्ट्रक्चर जहाँ पे शार्प रेशो हमारी मैक्सिमाइज हो जाए जब शार्प रेशो हाईएस्ट हो जाएगी तो दैट विल बी कंसिडर्ड बेस्ट फ्रॉम द पॉसिबल ऑप्शन शार्प रेशो कैसे निकालते थे रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड देशन ऑफ द पोर्टफोलियो तो ये हमें इससे गेज होता है कि वॉट इज द रैंकिंग ये हमारी एक आउटपुट डिजायर्ड आउटकम है जब ये हम कंपेरिटिव में बात करेंगे तो हमारा एम हो जाएगा अब टू गेट द हाइस्ट शार्प रेशो या मैक्सिमाइज आर शार्प रेशो शार्प रेशो इज अड वे सिग्निफिक रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क हमने एक, एक यूनिट का रिस्क लिया उसके अगेंस्ट हमें कितना रिटर्न कमाया तो जितनी ज़्यादा शार्प रेशो है उसका मतलब है कि एक ले एक पॉइंट के रिस्क पे या वन यूनिट ऑफ रिस्क इज गिविंग वट लेवल ऑफ रिटर्न तो हमें जो उसका प्रीमियम कितना मिल रहा है दैट इज़ बींग गेज बाय द शार्प रेशो तो हैंस वी मैक्सीमाइज हमारा जो मकसद ये होगा कि हम अपने शार्प रेशो को बेहतरीन कर दें ताकि आपके रिस्क जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएं एंड दैट विल गेट यू द बेस्ट पॉसिबल थीम द फॉलोइंग टेबल गिव्ज अ वैल्यू फॉर द डिफरेंट पैरामीटर ऑफ रिस्क बजटिंग फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन इन प्रीवियस मॉड्यूल हमने पहले मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल की बात की थी एक्स और वाई हम उसी की कंटिन्यूएशन बात करेंगे कुछ डाटा भी सेम लेके मूव करेंगे बट एम एयर इज टू गेज वट्स द डिजायर इज टू गेट द हाइस्ट पॉसिबल रिटर्न विद द गिवन लेवल ऑफ रिस्क देयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ शार्प रेश अब फॉर्मार्मूला इज अब हम बात करेंगे जो हमारा एग्जाम्पल थी हम लोग गा रहे थे कि वी हैव टू स्टॉक्स एक्स एंड वाई और उनके हमने वेट्स डिफाइन किए थे कि इक्वली स्प्लिट वेट्स हैं और उसकी बेस पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी उनके साथ गिवन थे तो ये इफ यू कैन रिकॉल दिस टेबल दिस वाज इन द प्रीवियस मॉड्यूल जिसमें हम हमारे पास एवरेज रिटर्न्स आ गए हैं हमारे पास स्टैंड एविशन इज देयर कोरिलेशन जिसकी बेस पे हमने पोर्टफोलियो के रिटर्न Portfolio okay, standard deviation or risk free rate is the given data. So now we have all the ingredients to calculate the sharp ratio to actually determine what is the risk adjusted return. So we have 7.5, that is the average return, minus the three risk free rate divided by the standard deviation of the portfolio. So sharp ratio comes to 1.62. ये एब्सोल्यूट नंबर में शायद कुछ नहीं बताती बट डेफिनेटली इट्स अब वन तो एक अच्छा इंडिकेटर है लेकिन इसको जब हम कंपेयर करेंगे बिटवीन पोर्टफोलियोज तो हमें ये ज्यादा अच्छा टूल होगा टू गेज के हमारा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना द द शार्प देशो बेस्ट इट विल बी फॉर आस टू गेज एंड सेलेक्ट दैट पोर्टफोलियो और हमें एलोकेशन उसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए रिस्क बजटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन एंड इट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद मोर प्रवलेंट कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग होता था कि किसको कितने पैसे असाइन करो अब रिस्क मैरिज बजटिंग जो है वो उसके साथ इनकॉपरेट करके कंबाइन करके की जाती है कि जस्ट डोंट सी द वैल्यूज कि आपने कितने पैसे असाइन करने सी वॉट इज द रिस्क एसोसिएशन एंड बेस्ड ऑन देन एल रिस्क बजटिंग प्राइमरी बेनिफिट इज हेल्प इन्वेस्टर टू Carefully balance his risk among various asset classes. कि हम अपने जो रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं ये हमें रिस्क बजटिंग उसमें बहुत हमारी हेल्प करी होती है तो इन्वेस्टर के लिए ये मेजर यूजफुल टूल है तो और इसका जो फिर फंड मैनेजर जो हैं उनकी जो डिसीजन है उनके जो रोल हैं उसमें इट देम दैम अपार्ट इट गाइड्स दैम हेल्प दैम कि किस कितनी एलोकेशन की जाए इन ऑर्डर टू गेट द रिस्क वी हैव और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमारा हाईएस्ट लेवल्स पे आ जाए तो ये एक हमारा एड है है हेल्प टू फंड मैनेजर इन देयर एलोकेशन डिटेल्ड एनालिसिस इज नीडेड फॉर कमिंग अप विद को रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड एसिड क्लासेज क्योंकि हमने कैल्कुलेशन में भी देखा था कि को का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपको पता है, किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपकी को रिलेशन का फैक्टर बहुत लो हो जाएगा उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आ जाएगा अगर को रिलेशन बढ़ी होगी तो उसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा तो बहुत बेनिफिशियल है बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स को बड़ा केयरफुली कैलकुलेट करना होगा कैप्चर करना होगा अगर आपने उसमें प्रॉपर वर्किंग नहीं की प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया प्रॉपर फैक्टर्स नहीं कैप्चर किए तो वो फिर जो हमारी जो डिज़ायर है टू गेट द ऑप्टिमाइजेशन वो फिर कहीं लैक कर जाएगी मिस कर जाएगी वी विल नॉट बी एबल टू गेज आर रिटर्न जो हमारा मकसद है वो पूरा नहीं होगा अगर आपने को सिर्फ एक फैक्टर गलत कर दिया तो आपके पूरे जो रिजल्ट हैं क्यों हो सकते हैं आपका पूरा एक्सपेक्टेशन प्लान बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है तो रिस्क मैनेजमेंट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द इनपुट्स एंड द कैलकुलेशंस व्हिच वी डू इन इट थैंक यू